अच्छा, अभी हम जब शो शुरू होने वाला था, हम आपसे चर्चा कर रहे थे स्वामी जी की, राम, प्रभु श्री राम और भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं, और जिस तरह से ये सुंदर प्रस्तुति हम यहाँ देख रहे हैं, ये अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक अलग रंग हम तक लेकर आती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं उत्तर की, कैसे उत्तर और दक्षिण को राम नाम ने अपने साथ जोड़ा है, इसीलिए जिस तरह से तुलसीदास हमेशा कहते हैं भज राम, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जहाँ से श्री गणेश हो रहा है कालाराम मंदिर से, जी हरिजनों को, दलितों को प्रवेश नहीं कराया जाता था, डॉक्टर अंबेडकर का, संविधान निर्माता का साथ स्वतंत्र वीर सावरकर ने दिया, और उस समय शंकराचार्य डॉक्टर कृतकोटि ने सावरकर का समर्थन किया, जो आगे चलकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो सबसे बड़ी जो चीज है, जब तक सामाजिक समरसता नहीं होगा, जब तक आपस में सौहार्द नहीं होगा, जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा, जब तक आपस में भाईचारा नहीं होगा, तो ये सामाजिक समरसता का ही प्रतिरूप है स्वामी जी की। हम देख रहे हैं कि अगर अयोध्या में राम नाम का शंखनाद है, तो उसका शोर रामेश्वरम तक है, और इसीलिए जब हम तमाम युगों की बात करते हैं, चाहे त्रेता है, द्वापर है, ही बात मत करिए जी, इस समय संपूर्ण विश्व जो है सनातन के झंडा और राम नाम के गुंजन से गुंजित है, या गूंज रहा है, संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और एक बात और आपको बतला दूं, अयोध्या जो है विश्व की प्रथम नगरी है, राजधानी है, विश्व की प्रथम राजधानी है, सात खंडों में पृथ्वी, सप्तर्षयः दीप बनानी सप्त भूराणि, सात खंडों में पृथ्वी है, जी सात जी। सात समुद्र श्रृंखलाएं हैं, सात पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सात जी जी है, और हमारा जो इस शरीर का चमड़ा है यह भी जी जी आता है, सातवां तह कटता है तब रक्त निकलता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने अपने इतने संपूर्ण विचार हमसे साझा किए, इस मन से साझा किए। तो ये तस्वीर, एक और निवेदन है, राजनीति में देखिए तो प्रधानमंत्री पक्ष होता है, तमिलनाडु के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, रामेश्वरम से तस्वीरें सीधी, और सबसे अहम जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि तमाम तत्वों के रूप में जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उन तत्वों की इच्छा रखते हुए किस तरह से सनातन को जोड़ते हुए, और ख़ास तौर पे जिस भारतीय संस्कृति पर हम सबको गर्व है, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति इतनी उदार है, इतनी सशक्त और इतनी विस्तारवादी है कि इसमें सभी धर्मों का समावेश है, और इसलिए ये जो तस्वीरें हैं ये अंकित करती हैं वो रिश्ता, वो राम भाव, वो समरसता जिसके लिए भारत जाना जाता है। अयोध्या में जिस तरह से 22 तारीख का कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, पूरा विश्व जो है, पूरा देश जो है, वो प्रसन्नता से ओतप्रोत है, हर्षो उल्लासित है। ये तस्वीरें इस बात की परिचायक हैं कि जब हम बात करते हैं कि किस तरह से राम नाम और साथ ही इसकी संस्कृति से इसका जुड़ाव और ये जो विश्वास है वो हर भारतीय के मन में झलकता है। ख़ास तौर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चन किया है, कई ऐसी जो बातें हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर इस रामनाथ स्वामी मंदिर को लेकर, जहाँ ये चार धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर में से एक है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है, और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि जिस तरह से ऐसी कई जो बातें हैं वो प्रचलित हैं कि यहाँ पर मंदिर निर्माण में लगाए हुए जो पत्थर हैं उन्हें श्रीलंका की नावों के जरिए लाया गया था, रामेश्वरम मंदिर का ये जो गलियारा है विश्व का देखिए सबसे लंबा गलियारा है, और ऐसी भी कई कथाएं प्रचलित हैं जो इस बात का बस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित करती हैं कि इस मंदिर के अंदर जो तमाम कुएं हैं भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए, और ऐसा भी माना जाता है इसमें कई तीर्थ स्थलों का जल जो है उससे मिलाया गया था। तो उस लिहाज से जो दो
हम पूरक मानते हैं, जहाँ भगवान श्री प्रभु श्री राम शिव भगवान की आराधना करते हैं, शिव भी उन्हीं के भक्ति स्वरूप उनको पूजते हैं। तो उस लिहाज से देखिए रिश्ता कितना अनूठा और कितना भावपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ पर श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भी भाग लेने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उस लिहाज से आप देखिए क्यों इतना अहम है। जब हम रामायण की बात करते हैं क्यों इतनी अहम है, अहम इसलिए है आप कितनी बार भी जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वंदन करते हैं, श्रोता बनते हैं, हम कितनी बार भी उसमें जो तमाम मार्मिक संवाद हैं, चाहे अयोध्या वापसी के हों, हम केवट संवाद की बात कर ले, प्रभु श्री राम और भरत का संवाद देखा जाए, जब भी हम उसको सुनते हैं, सुनकर अश्रुधारा ज़रूर बहती है, क्योंकि ये किसी भाषा की अनुरूप नहीं, ये भाव के अनुरूप है। और रामचरितमानस में ये जो भाव है ये इंकित है और परिलक्षित है, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। और अब इस राम नाम का श्रवण जिस तरह से ख़ास तौर पर हम जब भी देखते हैं, ख़ास तौर पर जो वो अयोध्या वापसी का प्रसंग है, वो अपने आप में बेहद बेहद हर्षोल्लासित तो करता ही है, बेहद मार्मिक है। और इसीलिए जिस तरह से प्रधानमंत्री, अब देखिए रामेश्वरम इस जगह के पूरे अगर हम पूरे इस शब्द को देखें